हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। सो आज के इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि CSI नेट के एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं या फिर उनके मन में कई सारे डाउट्स है कि अभी तक CSI ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसे भी CSI ने बोला है कि इस साल वो 3 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस सेशन में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ये एग्जाम की डेट कब तक आ सकती है। तो हम मनोज सर, आपको क्या लगता है कि हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं CSI की डेट आ जाएगी? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो स्टूडेंट्स, और जितने भी स्टूडेंट्स ने मैसेजेस किए, बहुत सारे मैसेज आए स्टूडेंट्स के, बहुत सारे बार बार पूछ रहे, बैच के स्टूडेंट्स भी पूछ रहे कि एग्जाम की डेट कब तक एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। बिकॉज हमारी जो फर्स्ट एग्जाम थी सर, वो जनवरी में तय हो चुकी थी, लेकिन फिर से कुछ कारण की वजह से वो फेब में एग्जाम हुई थी। एंड CSI नेट ने ऑलरेडी हमें प्रॉमिस किया है कि इस साल उनकी 3 बार एग्जाम्स होने वाली है। तो ये बात तो है कि सर, लास्ट की जो एग्जाम होगी वो दिसंबर में होगी, और हम पुराने बात करें तो थोड़ा सा, तो यूजुअली क्या होता था कि CSI नेट की जो फर्स्ट एग्जाम होती थी वो जून में 3rd वीक में होती थी। बिल्कुल। तो इस टाइम पे भी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि जून में ही एग्जाम होगी, तो वो थोड़ा सा गलत होने लगा है, क्योंकि जब भी CSI नेट की एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं सर, वो उसके बाद एग्जाम के लिए 2 महीने का टाइम होता है, और उसी के बाद वो एग्जाम होती है। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी मई स्टार्ट होने वाला है, तो मई एंड जून ये दो एग्जाम, ये दो मंथ जो है, इस 2 मंथ में तो होपफुली एग्जाम नहीं होगी, लेकिन हाँ जुलाई में ये जो एग्जाम है वो पक्का होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप भी जैसे कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है 16th of February को एग्जाम हुई थी, जो 2nd एग्जाम होने वाली है वो जुलाई में 99% चांसेस है कि वो एग्जाम होगी होगी, और उसके बाद की जो एग्जाम होगी वो दिसंबर में होगी। सर, आपको क्या लगता है इसके बारे में? हाँ सर, मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन क्या हम सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आना चाहिए? जैसे कि हम प्रीवियस ईयर्स के कुछ पैटर्न्स देखे, जैसे कि अब इस बार का छोड़ दो, इस बार का वैसे भी जनवरी फेब में कभी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराते, वो जनरली जून और दिसंबर में एग्जाम होता है। तो अगर उन पैटर्न्स को देखा जाए तो मुझे लगता है सर, लगभग 2 महीने पहले कम से कम नोटिफिकेशन आ जाती है। तो अगर जुलाई में एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी 1-2 वीक में या फिर मई में एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है, तो आपको भी अगर कोई चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए एग्जाम्स को लेके, उसके इंफॉर्मेशन के बारे में लेके, या फिर कोई भी सजेशन चाहिए हमारे साथ, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम जल्द होने वाली है, तो अपने प्रिपरेशन के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अभी एग्जाम होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के वीडियो बनते रहते हैं, एग्जाम होगी नहीं होगी, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी आते रहते हैं, बट अगर उन्होंने प्रॉमिस किया है तो वो पूरा भी करेंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो पूरा भी होगा। आप भी ऐसा एक्सपेक्ट करके चलिए और अपने प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर लेते रहिए। बिल्कुल, okay? बिल्कुल। और जैसे भी नोटिफिकेशन आएगी, सबसे पहले हम लेकर आएंगे, ठीक है? जो ये हमारा चैनल है, इस चैनल पे वो नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाएगी आप तक, तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिए, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी।